नमस्ते पालको, लहानपण माझे या YouTube चॅनलची शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून मुलांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी भव्य ऑनलाइन स्पर्धा सादरीकरण कोणत्याही भाषेत चालेल। प्रत्येक स्पर्धकाला कलरफुल ऑनलाइन सर्टिफिकेट शिवाय भरपूर बक्षिसे। सहभागासाठी दिलेल्या नंबरवर मेसेज पाठवा। हाय एवरीवन, मेरा नाम लोकेश है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। उस कहानी का नाम है ईमानदारी का इनाम। बहुत दिन पहले एक पेंटर था। उस पेंटर बहुत कम पेंटिंग करता था, इसलिए उसको बहुत कम पैसे मिलते थे, इसलिए वो बहुत कम रोटी खाने को मिलता था उसे। और वो हमेशा सोचता था कि वो कभी ना कभी बड़ा काम करेगा। एक दिन उसे गाँव का सरपंच बुलाता है और तो पेंटर उधर पहुँचता है तो फिर सरपंच बोलता है तुम्हें मेरी एक नाव पेंट करनी है। तो वो बोलता है हो जाएगा। वो बोलता है 1500 में हो जाएगा। तो वो बोलता है ठीक है, तुम्हें 1500 मिल जाएंगे। इसलिए वो पेंटिंग का सामान लाने जाता है और वो पेंट करना शुरू करता है। तभी उसको एक छेद दिखाई देता है, वो उस छेद को भर देता है और वो पूरा पेंटिंग हो जाता है। बाद में वो निकल जाता है। तो अगले दिन उसकी फैमिली उस नाव में बैठ के निकल जाती है पिकनिक के लिए। और सरपंच का नौकर उधर आता है और वो पूछता है, वो उधर इधर देख के पूछता है तुम्हारी फैमिली कहाँ है। तो फिर वो बोलता है मेरी फैमिली पिकनिक के लिए गई है। और वो चिंतित हो जाता है क्योंकि उस नाव में एक छेद था, वो बताता है। तो सरपंच भी बहुत चिंतित हो जाता है। थोड़ी देर के बाद उसकी फैमिली उधर सही सलामत आ जाती है। और तभी तो पेंटर भी आता है पैसे लेने के लिए, पर सरपंच उसे 6000 देता है। और वो बोलता है डील तो 1500 की हुई थी, 6000 कहाँ से। तो फिर वो बोलता है तुमने वो छेद भरा है ना, उसके लिए मेरी फैमिली बच गई, इसलिए 6000। और वो बोलता है फिर भी छेद भरने के इतने भी नहीं पैसे होते। फिर भी बोलता है ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, इसलिए रखो। तो वो बोलता है ठीक है, और बोल के वो खुशी खुशी निकल जाता है। तो इस मॉरल ऑफ द स्टोरी इज जो भी काम करो दिल लगा के करो। थैंक यू। मोफत स्पर्धेचा लाभ घ्या, मुलांचे व्यक्तिमत्व अष्टपैलू घडवा, सोबतीला बक्षिसे मिळवा। हा उपक्रम आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा।